जय जी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। गीत बाय जा रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इन नए व्लॉग में। और ये खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से तो हम इस बेस कैंप में थे दोहरा नाला पे, तो यहाँ से अब हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो चलिए आपको भी आगे की जर्नी दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे है। और जो हम चंद्रखानी पास पहुंचने का जो मेरा सपना था वो आज पूरा होगा। तो चलिए नाश्ता करते हैं। पूरा नाश्ता बढ़िया है, दलिया है, बोलो तो दलिया। ये दलिया, ये दलिया हो गया, काफ़ी अच्छा है। और ये पहाड़ों की वाली मैगी, वेजिटेबल मैगी है, इसमें दूध है, दूध विद कॉम्प्लेक्स और गुल और चने। आज तो काफ़ी अच्छा नाश्ता है, सबको बहुत मज़ा आएगा। अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ से, इस कैंप को बाय बाय करके। ये हमारे कैंप लीडर थे यहाँ के दोहरा नाला के। देखो ये ऐसे रास्ता है जो हमें चढ़ाई करके जाना है ऊपर तक। बहुत आज का जो ट्रैकिंग है बहुत टफ है, अभी ठंड भी बहुत है काफ़ी। गेसर गेसर यहाँ पे देखो, बस चौपी गल के आ रही है। यहाँ पे बड़े बड़े बर्फ की ग्लेशियर है, ये सब चल रहा है देखो वहाँ से यहाँ तक। संभल के, पत्थर हिल रहे हैं। देखो ये बर्फ से पूरी चट्टान खिसक के यहाँ पे आ गई है, ये सब बर्फ पे चढ़ के आते हैं। हाँ बोलो, वांदो नहीं ना गाय। हमारे वहां से चले आए, ये सब आ रहे हैं। और ऊपर जाना है अभी हमें टॉर्च पर, देखते पहुंच जाएंगे। वहां सामने जो बर्फ है टक्की पहाड़ी है, वहां जाना है। देखो ये है कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ी है, और हाई स्पॉट पे हम खड़े हैं। अभी धूप है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वरना वो पहाड़ है ना दिख रहे आप सामने, ये हिमालय की सीरीज है सबसे ऊंचे। देखो जन्नत पे आ गए, ये देखे यहाँ बर्फ से ढकी हुई चारों ओर पहाड़ियाँ, बर्फ ही बर्फ। अभी तो वहाँ धुंध है इसलिए ये चोटियाँ नहीं दिखाई दे रही है, अगर ये धुंध हट जाए ना तो क्या गजब जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। देखो हमें लीडर आ रहे हैं अभी पीछे, हम आगे हैं, हमारे पीछे बर्फ है और हम आए हैं चंद्रखानी पास। अभी यहाँ से थोड़ा दूर है लेकिन अभी चल रहे हैं और टॉप पे आ गए हैं। काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा यहाँ का आपको दिखने को मिल रहा है, एक बार जरूर आए ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे पूरी बर्फ है, वो भी सॉफ्ट बर्फ है, और सामने देख रहे हैं बर्फीला पहाड़, क्या नज़ारा है। जहाँ देखो नज़र करो, बर्फ ही बर्फ है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है। पूरी बर्फ है और यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे है, कोई बर्फ से खेल रहे है, यहाँ सब फोटो खिंचवा रहे है। वो फोटो देखिए यहाँ का नजारा, कष्ट हुआ है चढ़ने में थोड़ा सा, बल्कि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत में आ चुके हैं। सब बैठे हो यहाँ, जो कि स्लाइडिंग हो रही है, सब स्लाइड कर रहे हैं यहाँ पे, बर्फ के मजे ले रहे हैं।
रखानी पास का ट्रैक देखो कितना खतरनाक है, थोड़ा सा रास्ता और सीधा नीचे खाई, डेंजरस है लेकिन बढ़िया है, यही तो मजा लेने आए थे हम। आखिरकार हमने पहुंच ही गई चंद्रखानी पास और ये देख रहे हैं सब हमारे ग्रुप आ गए हैं। हमने सपोर्ट किया, कैसा लगा पहुंच के, कैसा लगा? बढ़िया, हिम्मत एक दूसरे का साथ और सपोर्ट से हम सब साथ में पहुंच गए और सबका साथ अच्छा मिला, कोई दिक्कत नहीं रही और आखिरकार हमने पार कर ही दिया। अब देखो यहाँ का नज़ारा, देखिए यहाँ पास और ये सब तो पहुँच गए हैं और अभी आ रहे हैं वहाँ से लोग और सबके चेहरे पे आनंद दिख रहा है यहाँ पहुँचने का। और देखिए यहाँ पे चारों ओर बर्फीले पहाड़ और हिमालय की चोटियाँ दिखाई दे रही है, काफी सुकून भरा माहौल है यहाँ पे, एक बार जरूर ट्रैक करके आना जिंदगी में, काफी एंजॉय होगा। थोड़ी मुश्किल है लेकिन जब पहुंचोगे ना इसका आनंद भी बहुत बढ़िया होता है। कैसा लग रहा है पास कंप्लीट करके? जोरदार भैया। अच्छा कैसा लगा? जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद माउंटेन मांझी। अच्छा पास ही सबके चेहरे पे आना। अंकल कैसा लगा पास पूरा कर दिया आपने, आंटी ने और अंकल ने दोनों ने? समिट पर काफी, हाँ देखो 12,500 फीट सब पहुंच गए हैं अंकल और आंटी जो बड़ा ग्रुप में सब आनंद में है। कनेक्टिंग बता रहे हैं। कैसा लगा पहुंच के? अरे बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया, थके नहीं ना? बहुत, बिल्कुल थकते नहीं हम लोग। अच्छा कुछ देखो बर्फ में भी क्या क्या कर रहा है। देखो एंजॉय हो रहा है पूरी तरह से, यहाँ पहुँच गए। यस कैसा लग रहा है पहुंच के? वीडियो धीरे धीरे डांस हो जाए, डांस आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सामने दिख रहे हैं ना पहाड़, वो पूरी हिमालय वैली है और उसके बाद हम ये चाइना बॉर्डर है, बाद में चाइना बॉर्डर भी है और ये पूरे है लास्ट एंट्री बर्फ से ढकी हुई है। सबसे ऊंचा वाला हिमालय नहीं वो माउंट एवरेस्ट, चंद्रकानी माउंट एवरेस्ट है ये, कंचनजंगा अपना बताइए वाला, अब माउंट एवरेस्ट है ये माइनस लास्ट पॉइंट आउट। देखिए यहाँ तक पहुँचने में जिसने मेरा सपोर्ट किया, जो मेरे मार्गदर्शन रहे, तो ये सब भैया का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो जिसने हमने सेल्फ सेफ यहाँ पहुँचा दिया चंद्रकनी पास। धन्यवाद और आपके लिए तालियां भी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके जी पण આપણે બેને પાડવાનો ને આવ આવ બાપુ નો વ્લોગ માં નાખ દઉં ને બાપુ આગળ ગયો ક્યો ના દેખિયે યહાં પે સબ બર્ફ મે એન્જોય કરતે હુએ ઓર પહોંચને કા ભી આનંદ હે જો હમ પાસ આયે હે ચંદ્રખાની પાસ ઓર યહાં સબ પહોંચ ગયે હે ઓર ઉસકા ભી આનંદ હે ઓર યહાં વાતાવરણ ભી ઇતના ઠંડા ઓર બર્ફીલા હે ના કે પૂછો મત क्या बात है, सब एंजॉय कर रहे हैं। और मारू जी मेन मां बावड़ो आई, और देखो भाई बन पिलो नंबर 1 मेरा फ्रेंड है जिसने पूरे मार्ग पर मेरे फोटो खींचे है, थैंक यू सो मच यारा।
लगती नहीं चढ़ पा रही प्लेट से कुछ प्लेट नहीं आउट देखो यहाँ से स्लाइडिंग करके नीचे जाना है और बाद में आपको दिखाएंगे बहुत खतरनाक है रास्ता जा रहा देखो स्लाइडिंग करके देखो वहाँ पे जैसे हमें सबको जाना है ओ खतरनाक भाई खतरनाक बहुत खतरनाक है सर बहुत है देखो ओ हमारा साथी अंकित भाई जा रहे हैं नहीं 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 ओ ठेला देखो वहां से हम पूरी स्लाइडिंग करके आए हैं यहां तक बहुत मजा आ गई हाँ हाँ खरा खर गुड एक्सपीरियंस था कभी सबका वसूल हो गया वसूल स्लाइडिंग करके आते हैं इस तरह हम स्लाइडिंग करके आए हैं देखो बर्फ में अब चल के जाना है और खूब एंजॉय करना है क्योंकि यहाँ बहुत ही बर्फ है देखो वहाँ से ऊपर से स्लाइड करके फिर बर्फ में चढ़ के यहाँ तक आए हैं बर्फ में चढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी मज़ा भी आया है और अब बर्फ कम हो गई है और हम सब आगे ही है साथ ही में गुजराती टीम हम साथ है सबसे आगे वही है सबसे आगे हो गए गुजराती गुजराती मारे एंट्री तो बोला कि कंट्री वाह वाह लकड़ी एक बार पहन दो देखो ये लकड़ी क्या मस्त घुमाता है ये लड़का मेरा खास फ्रेंड बन गया है वो गुजराती मारे एंट्री तो बोला कि कंट्री वाह गुड गुड देखो हम वहाँ सामने से आए हैं बर्फीले पहाड़ से और चारों ओर बर्फ ही है बर्फीले रास्ते से चल के आए हैं और काफ़ी मज़ा आया अब शायद बैटरी डाउन हो गई है तो आगे का वीडियो शायद नहीं उतार पाऊँगा मैं जो मौका मिलेगा तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे वरना यहाँ ही हम अपना ब्लॉग ख़त्म करेंगे काफ़ी इंजॉयमेंट था काफ़ी मज़ा आया अब घर जाना आखिरी लंच होगा सब लंच करेंगे और यहाँ पे नज़ारा देख लो जब बैठ गए अभी लोग पीछे हैं तो सब यहाँ हम लंच करेंगे और ये लास्ट है फिर तो कल घर के लिए निकल जाएंगे ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही ओ ये हमारा लास्ट बेस कैंप है अब यहाँ से हम डायरेक्ट नीचे जाने वाले हैं बैटरी लो थी इसलिए अभी भी हम 9700 फीट की ऊंचाई पे है अब हमें डाउन ही जाना है और सीधा कल सुबह निकलेंगे तो 8 बजे तो दोपहर तक हम अपने नीचे वाले बेस कैंप पे पहुंच जाएंगे तो बाद में वहां से सब अपने अपने घर की ओर निकलेंगे स्वामी नारायण नंद भैयो जय बोलो गणेश की जय जी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की आती घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भाई जय कन्हैया लाल की जय पीछे मोगल के तकारो नाग मोगल देव ए विजय मोने अंगने नाल लाय मोगल मने उंगली नो सिंधाई मना उड़ा रे गवाई मोगल झेड़ता काड़ो नाग